आज हम बनाना सीखेंगे सांबर, और ये सांबर डोसा, वड़ा, इडली, उत्पम आदि के साथ सर्व की जाती है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं सरल तरीके से बनाना सांबर। यहाँ मैंने एक बाउल लिया है और इसमें हम डालेंगे ये दाल, ये है अरहर की दाल, इसे तुअर दाल भी कहते हैं, और ये एक कप है, अगर ग्राम में मापें तो ये 100 ग्राम है, और पहले मैंने साफ करके ली है और इसमें मैंने डाल दिया है खूब सारा पानी, यानी कि दाल अच्छी तरह से मैंने भिगो दी है। इसे कर देंगे साइड में 1 घंटे के लिए। एक और बाउल लेंगे हम और उसमें हम डालेंगे इमली। इमली है यहाँ पर मेरे पास ये 25 ग्राम, आप देख सकते हैं, और इसमें भी डालेंगे खूब सारा पानी, पानी इतना कि अच्छी तरह से इमली हमारी डूब जाए, और इसे भी हम रख देंगे 1 घंटे के लिए भीगने के लिए। तो देखिए मैंने दोनों चीज़ों को रख दिया है, दाल को भी और इमली को भी भीगने के लिए 1 घंटे के लिए। 1 घंटा पूरा हो चुका है और हमारी जो इमली है वो अच्छी तरह से फूल गई है, आप देख सकते हैं। अब क्या करेंगे, एक और बाउल लेंगे और एक छलनी में डालकर इसे छान लेंगे, इसका पल्प हम निकाल लेंगे और इसमें जो रेशे हैं, जो गुठलियां हैं, जो बीज हैं इसके, वो अलग कर देंगे। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी हम डालते रहेंगे और इसका पल्प हम निकाल लेंगे। ये देखिए मैंने तैयार कर लिया है इमली का पानी, इमली के जो रेशे थे, जो बीज थे, वो सब अलग कर दिए हमने। अब क्या करेंगे, गैस पर रखेंगे कुकर, क्योंकि इसमें हम बनाएंगे सांभर, और इसमें जाएगा ये रिफाइंड तेल। यहाँ पर मेरे पास ये 50 ग्राम रिफाइंड तेल है, अगर स्पून से मापते हैं तो 2 बड़े चम्मच है ये। जैसे ही ये गर्म होता है इसमें हम डालेंगे ये राई, तो आधा छोटा चम्मच मैंने राई डाल दी है, राई चटकने लगी है। अब डाल देंगे इसमें साबुत लाल मिर्ची 2 या 3, और साथ में डालेंगे कुछ करी पत्ते, 8 से 10 मैंने करी पत्ता डाल दिए हैं। और अब डाल देंगे इसमें अपनी सब्जियां, तो मैं सबसे पहले डाल रहा हूँ लौकी जो मैंने काट के रखी हुई थी, बैगन भी डाल दिया है 1 कप, 1 कप लौकी, 1 कप बैगन मैंने डाल दिया है, और अब डाल देंगे 1 कप कद्दू यानी कि काशी फल, और साथ में कुछ कटी हुई हरी मिर्ची है, 2 हरी मिर्ची जिसे मैंने काट के रखा हुआ था, और अदरक जूलियन कट है वो मैंने डाल दिया है। सब्जियां आप अपने अनुसार मनपसंद डाल सकते हैं, आप गाजर डाल सकते हैं, आप लौकी तो हमने डाली थी, आप मूली डाल सकते हैं इसमें। ये देखिए एक अच्छा ग्लेज आ गया है सब्जियों के ऊपर 2 से 3 मिनट तक भूनने के बाद। अब क्या करेंगे, अब इसमें मसाले डालेंगे, तो मैं डाल रहा हूँ नमक 1/2 छोटा चम्मच, लाल मिर्ची पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, इसके साथ ही हम डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर 1/4 छोटी चम्मच, और डालेंगे धनिया पाउडर 1/2 छोटा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा है, सौंफ पाउडर डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा, आप सौंफ को स्किप भी कर सकते हैं अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो। और अब डालेंगे इसमें हींग, तो हींग डाल रहा हूँ मैं 1/4 छोटी चम्मच से, काफ़ी कम है ये। सारे मसाले डालने के बाद मिक्स करेंगे 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से, और अब देखिए दाल हमने भिगो के रखी हुई थी वो तैयार है, 1 घंटे में अच्छी तरह से भीग गई है, इसे ऐसे ही डाल देंगे इसे हम। तो दाल मैंने डाल दी है, ये भी आप देख सकते हैं, और अब क्या करेंगे, इसमें डालेंगे हम सांबर मसाला पाउडर, तो 2 चम्मच भरकर मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर सांबर मसाला, मिला देंगे अच्छी तरह से, मिक्स करेंगे, गैस की स्पीड मीडियम कर देंगे, और डालेंगे इसमें पानी, खूब सारा पानी डालेंगे, जितनी दाल है उसका 4 गुना हम पानी डाल देंगे, आवश्यकता अनुसार आप डाल सकते हैं। ढक्कन बंद कर देंगे और 4 या 5 सीटी लेंगे हम, तो आप देख सकते हैं सीटियां आने लगी हैं, 4 या 5 सीटी ऐसी आ जाएंगी, हम गैस बंद कर देंगे लेकिन कुकर को नहीं खोलेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे, इसकी जो गैस है वो निकलने देंगे हम। 10 से 15 मिनट बाद हमारा जो कुकर है वो हम खोलकर चेक करेंगे, और हमारी जो सांभर है ये देखिए ऑलमोस्ट रेडी है, अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है, अभी इसमें हम इमली का पानी भी डालेंगे, जो हमने इमली तैयार की थी भिगोकर वो मैंने डाल दिया है पानी, और डालेंगे इसमें कटे हुए टमाटर, तो 1 कटा हुआ टमाटर है जो मैंने काट के रखा हुआ है पहले से, वो मैंने डाल दिया है, और मैं साथ में इसमें डाल रहा हूँ नारियल का बुरादा, अगर ये नहीं है आपके पास तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसे मत डालिए। तो नारियल का बुरादा भी मैंने डाल दिया है, मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, गैस की स्पीड मीडियम हाई कर देंगे, और ऐसे झाग आने लगेंगे उसको हम निकाल कर अलग कर देंगे चमचे की सहायता से। तो मैं ऐसे सारे के सारे जो झाग हैं वो निकाल दूंगा, इस तरीके से देखिए झाग मैंने सारे के सारे निकाल दिए हैं, आप देख सकते हैं, और हमारी जो सांबर है वो बनकर तैयार है, अच्छी तरह से इसे पकने देंगे 5 से 6 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। अब गैस कर देंगे बंद, क्योंकि सांबर हमारी 5 से 6 मिनट तक पकने के बाद अच्छी तरह से तैयार हो गई है। सर्व करते हैं एक बाउल में, तो मैंने एक बड़े बाउल में डाल दी है, आप इडली के साथ, आप डोसा के साथ, तो देखा कितना आसान है सांबर बनाना, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में हमने बनाई है।
अब वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आपका कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो आप कमेंट्स के जरिए बता सकते हैं। अब वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाइए, जिससे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। तो देखा कितना आसान है सांभर बनाना।